गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 to 8, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, टॉपिक कलर व्हील एंड कलर स्कीम। तो स्टूडेंट्स, कलर व्हील के बारे में हम जानेंगे। जो कलर व्हील है, वो कलर व्हील का जो जो ढूंढा है वो है एक महान जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है सर आइज़ैक न्यूटन। उसने ये जो कलर व्हील है, जो कलर स्कीम है और कलर व्हील जो डिफरेंट कलर्स है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर है, वो हमने सर्च किया है, उन्हें ढूंढ निकाला है। तो उसके बारे में आप जानेंगे। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर मतलब बेस कलर। जो बेस कलर है कौन कौन से है, एक रेड, येलो एंड ब्लू, ये जो 3 कलर है इसे कहेंगे हम प्राइमरी कलर, बेस कलर। ये कलर हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर किसे कहेंगे, जो प्राइमरी कलर है, जो कलर को इक्वल पार्ट में आप मिक्स करोगे तो जो कलर बनेंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी कलर। और सेकेंडरी कलर को आप मिक्स करोगे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कलर को मिक्स करोगे और जो कलर मिलेंगे उसको हम करेंगे टर्शियरी कलर। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी कलर। तो एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पर रेड, सेकेंड वन है येलो और एक है ब्लू। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी कलर, 3 कलर्स है प्राइमरी कलर। तो यही कलर को हम आगे और भी ड्रॉ कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जो 2 कलर है उसको इक्वल पार्ट में हम मिक्स करेंगे और जो कलर बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कलर। तो यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं पार्ट, तो ये 2 कलर को हम मिक्स करेंगे, तो ये रेड एंड येलो कलर मिक्स करने से बनेगा ऑरेंज, रेड एंड ब्लू कलर मिक्स करने से बनेगा पर्पल, ब्लू एंड येलो कलर मिक्स करने से बनेगा कलर ग्रीन। ये हुआ प्राइमरी कलर। जो सेकेंड वन है ना, सेकेंड सर्कल में जो लिखा हुआ है ये हुआ सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर। जो ये 3 कलर्स है, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर मिक्स करने से जो बनता है उसे कहेंगे हम टर्शियरी। तो मैं और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर 3 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो रेड, ऑरेंज, पर्पल ये कलर मिक्स करने से जो कलर बनेगा उसको हम यहां पे टर्शियरी कलर कहेंगे। तो ऑरेंज एंड पर्पल तो बनेगा ब्राउन कलर, पर्पल सॉरी ग्रीन एंड ऑरेंज कलर मिक्स करने से यहां पर बनेगा ऑलिव ग्रीन, पर्पल और ग्रीन कलर मिक्स, पर्पल ब्लू एंड ग्रीन कलर मिक्स करने से बनेगा ग्रे कलर। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा कलर व्हील। तो सबसे पहले जो इनर पार्ट में है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी में जो कलर मिक्स होने से बनते हैं उसको कहेंगे हम सेकेंडरी, और सेकेंडरी कलर मिक्स होने से जो कलर बनेंगे उसको हम कहेंगे टर्शियरी। तो हुआ हमारा 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर। तो स्टूडेंट्स, ये जो व्हील है, ये व्हील आपको अपनी स्केच बुक जो येलो बुक है स्केच बुक में ड्रॉ करना है और कलरिंग करना है। मैंने आपको नेम लिखा हुआ है, आपको नेम नहीं लिखना है, वहां पे आप कलर ऐड करोगे। जैसे मैंने कहा कि 2 कलर मिक्स करना है और ऑरेंज कलर बनेगा, तो फिर ऑरेंज कलर आप ये स्ट्रिप में फिल अप करोगे, फिर रेड येलो एंड ऑरेंज कलर मिक्स करोगे, फिर जो कलर बनेगा वो आप यहाँ फिल अप करोगे। स्टूडेंट्स, ये सर्कल आपको अपनी स्केच बुक में प्रैक्टिस करना है, ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है हम देखते हैं कलर स्कीम के बारे में। तो फर्स्ट है मोनोक्रोमेटिक कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर मतलब कोई भी एक कलर को लाइट पार्ट में देखोगे या तो डार्क पार्ट में देखोगे उसको कहेंगे हम मोनोक्रोमेटिक। तो उसके बारे में हम जानते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर के बारे में। जो भी कलर है, जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं रेड कलर, तो रेड कलर में आप व्हाइट स्मॉल स्मॉल पार्ट प्लस करते रहोगे। तो रेड के अंदर मैंने सबसे पहले ऐड किया व्हाइट, और मैं व्हाइट ऐड करना चाहता हूं तो मैं और व्हाइट ऐड करूंगा, तो और थोड़ा लाइट होगा,
जो भी कलर में हम व्हाइट कलर ऐड कर रहे हैं और लाइट पार्ट दिख रहा है उसे कहेंगे हम टिंट, और जो भी कलर में हम डार्क कलर ब्लैक कलर यूज करेंगे, जैसे यहां पर रेड है तो रेड में मैं ऐड कर रहा हूं ब्लैक और थोड़ा सा ब्लैक और ब्लैक, तो धीरे धीरे कलर डार्क में सुधर जाएगा और डार्क होता जाएगा। जैसे कि रेड है यहाँ पर तो थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूंगा और डार्क रेड दिखेगा, और थोड़ा ब्लैक ऐड करूंगा तो और थोड़ा डार्क दिखेगा, और ब्लैक फिर ब्राउन दिखता रहेगा, ब्राउन क्या करते हो ब्लैक हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम सेड। कोई भी कलर में अगर व्हाइट कलर ऐड करते हैं उसे कहेंगे हम टिंट, और कोई भी कलर में अगर हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे और सेड जो बनेगा उसे कहेंगे हम सेड। तो हुआ मोनोक्रोमेटिक कलर। अभी यह है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर मींस जो सिमिलर है, जैसे कि यहां पर रेड येलो और ऑरेंज लुकिंग अगर आप देखोगे तो वो है वार्म कलर, आपको दिखने में सिमिलर दिखेंगे, है ना, लाइट ऑरेंज येलो, लाइट ऑरेंज डार्क ऑरेंज रेड, ये आपको सिमिलर मतलब ये एनालॉगस जो कलर है ये कलर स्कीम को हम कहेंगे एनालॉगस। जैसे कि ब्लू ग्रीन पर्पल पर्पल, ये हुआ एनालॉगस कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में से जो रेड है, रेड की ऑपोजिट साइड सेकेंडरी कलर में क्या है तो ग्रीन, तो रेड की ऑपोजिट साइड में है ग्रीन, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू के ऑपोजिट साइड सेकेंडरी कलर में क्या है ऑरेंज, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। येलो के ऑपोजिट साइड पर्पल, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्टूडेंट्स ये आपको ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। वार्म कलर, वार्म कलर किसे कहेंगे, जो हम कलर को देखते ही हमें हॉट फीलिंग होता है, मतलब देखने में वो ज्यादा एट्रैक्टिव दिखता है, उसे कहेंगे हम वार्म कलर। तो वार्म कलर कौन कौन से हैं, यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं वार्म कलर्स। वार्म तो रेड येलो पिंक ऑरेंज पर्पल, उसमें से जो वार्म कलर है ये जो मैंने बेस कलर लिखा है इसके अंदर आप टिंट मींस व्हाइट कलर ऐड करते जाओगे और जितने भी शेड बनेंगे और ब्लैक कलर ऐड करोगे और जितने भी शेड एंड टिंट बनेंगे उसे कहेंगे हम वार्म कलर। और फुल कलर, फुल कलर किसे कहेंगे, जिसको आप कलर देखने में आपको कूलनेस आंखों को ठंडक मिलती है वैसे कलर को हम कहेंगे कूल कलर। तो कूल कलर कौन कौन से हैं देखते हैं, ब्लू, ब्लू में स्काई ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वायलेट, लाइट एंड डार्क। स्टूडेंट्स ये हुए कूल कलर, ये हुए वार्म कलर। स्टूडेंट्स ये आपको अपनी जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में है उसको आपको रीड करना है और समझना है, तो हुआ हमने। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको अपनी स्केच बुक जो येलो बुक है उसमें आपको अपना खुद का एक कलर भी ड्रॉ करना है, आपको वाटर कलर दिया हुआ है, ब्रश दिए हुए हैं, तो वाटर कलर को मिक्स करना है और जो कलर बनता है, जैसे यहाँ पे बनाया था प्राइमरी कलर, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो आप स्टूडेंट्स राउंडर यूज कर सकते हो, अगर राउंडर नहीं है तो आप सर्कल शेप का भी, अगर कोई डी से है, जो भी कोई भी पार्ट है आप उसको लेकर अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करना है।